नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत के नंबर वन सरकारी यूट्यूब न्यूज चैनल KDX न्यूज ओपिनियन के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वहीं एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, फलौदी सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है। वही मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों के जो नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी के हौसले और भी बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस पार्टी ने यहां पर प्रचंड जीत हासिल की है, जिससे कांग्रेस का हौसला और भी बुलंद हो चुका है। अब कर्नाटक के साथ अगले 5 राज्यों में और भी विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना भी शामिल है। वही मैं आपको बता दूं कि जो कर्नाटक में हुआ है, वहीं अब की बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में ये कैसे दोहराना चाहती है, क्योंकि 2018 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन इस 21 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देकर बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया था, जिससे वहां पर फिर बीजेपी की सरकार बनी। मैं आपको बता दूं कि 2002 से 2018 तक बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस के 21 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देकर बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया था, जिससे फिर बीजेपी पार्टी की सत्ता बनी। वही मैं आपको बता दूं कि आप किस छात्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वहां आपकी बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। वही आपकी बार क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी या बीजेपी की? बीजेपी फिर मध्य प्रदेश के अंदर अपने सत्ता स्थापित करेगी? इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं 2018 में बीजेपी को 109 सीटें प्राप्त हुई थी, वहीं कांग्रेस को 114 सीटों का महा बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन 21 विधायकों ने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया था। वही बात करें सर्वप्रथम सीट थार जिला की, तो थार में कुल 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 3, बीएसपी को 0 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वही दोस्तों बात करी जाए भीड़ जिला की कुल 5 सीटों पर, तो बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 3 सीटों का आकलन, बीएसपी को 0 सीट और अदर पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सतना जिला की कुल 7 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 सीट और अन्य पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधी जिला की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता हुआ 3 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीटें प्राप्त हुई है। सिवनी जिला की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए तो दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है। वहीं बड़वानी जिला की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को 3 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीटें प्राप्त हुई है। वहीं बात करी जाए सागर जिला की कुल 8 सीटों पर तो कांग्रेस को 5 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार मध्य प्रदेश 2023 के अंदर। शिवपुरी की कुल 5 सीटों पर बात करी जाए तो 5 में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैतूल की कुल 5 सीटों पर बात करी जाए तो अब की बार कांग्रेस को 3 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदिशा जिला की कुल 5 सीटों पर बात करी जाए तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 4 सीटों का आकलन और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट राजगढ़ की कुल 5 सीटों पर तो कांग्रेस को 3 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। ग्वालियर की कुल 6 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, बीएसपी ने अपना पहला खाता खोलता हुआ 1 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट देवारा जिला की कुल 5 सीटों पर तो 5 में से कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करी जाए उज्जैन की कुल 7 सीटों पर तो 7 में से बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए जबलपुर की कुल 8 सीटों पर तो 8 में से
कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी को 4 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वही कटनी जिला की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए तो बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों टक्कर की चल रही है। वही बात करी जाए अगली सीट इंदौर की कुल 9 सीटों पर, तो 9 में से कांग्रेस को 6 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 सीट और अन्य पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए छिंदवाड़ा की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 6 सीटें प्राप्त हुई है। बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य पार्टी को 0 सीटों का आकलन प्राप्त होता नजर आ रहा है। सीहोर की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 सीट और अन्य पार्टी को भी 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए सीहोर की कुल 4 सीटों पर, तो कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए बालघाट की कुल 6 सीटों पर, तो कांग्रेस को 4 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीटें और बीएसपी को 0 और अन्य पार्टी को 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट मुरैया की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 4 सीटों का आकलन, बीएसपी को 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सतपुर की कुल 6 सीटों पर बात करी जाए तो 6 में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। रायसेन की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 सीट, बीजेपी को 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। मैं आप सभी का दोस्त रिपोर्टर खुशहाल।